अभी हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण घाट, अब जा रहे हैं हनुमानगढ़ी और बजरंग बली का दर्शन करने। ये रास्ता सीधे राम मंदिर की तरफ जाता है। तो वेलकम बैक, फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी समय आ चुके हैं हम अयोध्या। इस समय में लक्ष्मण घाट सरयू नदी के किनारे जो पड़ता है, लक्ष्मण घाट वहीं पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले सरयू जी का स्नान करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे हनुमानगढ़ी। फिर हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद हम लोग भी निकल जाएंगे राम जन्मभूमि। सरयू नदी नेपाल से निकलते हुए भारत की तरफ आती है। नेपाल में इसका नाम घाघरा और अन्य जगह भी इसका नाम घाघरा ही जानते हैं, लेकिन हमारे अयोध्या में इसे हम लोग सरयू के नाम से जानते हैं। सरयू नदी और यहाँ का पानी काफी ठंडा है। अब स्नान करने का समय आ चुका, चलने वाले स्नान करने। देखिए ये है राम की पौड़ी। सरयू नदी का जो पानी है उसे मोटर द्वारा इसमें छोड़ा जाता है। फिर आगे जो राम की पौड़ी में काफी श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं, वो आपको आगे दिखाते हैं। हम लोग सरयू नदी में स्नान करके आए थे, तो वहीं से देखा कि इसका पानी मोटर द्वारा इसमें लाया जा रहा है। ये राम की पौड़ी और राम की पौड़ी में ज्यादा पानी नहीं होता है, घुटने के बराबर पानी रहता है, जिससे श्रद्धालु लोग डूबते नहीं है और इसमें बहुत खुशी से लोग स्नान करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। ये लगभग 100 से 200 मीटर दूरी तक ये है जहाँ पर लोग स्नान करते रहते हैं। यहाँ सामने से पानी आता है और ये बिल्कुल नदी का फ्रेश पानी होता है, साफ पानी वहाँ से आ रहा है। और इस तरफ देखिए और यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। सीधे आपको महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर लेके जाएगी। और यहाँ पे जो सामने आपको गुंबदाकार ये दोनों तरफ पिलर लगा देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये राम जन्मभूमि की तरफ, और ये सरयू नदी की तरफ जाएगा। और एक यहाँ पे एक वीड़ा रखा है जो आपको दिखाते हैं, ये जो वीड़ा है और ये तिराहे के पास है जब आप आते हैं। और अब हम यहाँ से राम जन्मभूमि की तरफ निकलने वाले हैं। अभी हम लोग 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहुंच जाते हैं हनुमानगढ़ी के गेट के पास। यहां से मंदिर की दूरी मात्र 300 मीटर की दूरी पर थी। कुछ देर विश्राम करते हैं, फिर हम लोग यहां से निकल लेते हैं बजरंगबली का दर्शन करने के लिए। और ये देखिए ये है हनुमानगढ़ी का गेट। यहां से मात्र कुछ ही दूरी पर हमारा मंदिर पड़ेगा। और जो रास्ते में आपको कुछ दुकानें दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। हनुमानगढ़ी में बजरंग बली को जो लड्डू चढ़ाया जाता है, अभी हाल ही में उसको GI टैग प्रदान किया गया है। और यहाँ के लड्डू बहुत ही फेमस है और इस लड्डू में काफ़ी स्वाद होता है। और आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं, यहाँ की सभी दुकानें जो है बहुत ही सिमिलर दिखाई देती हैं और बिल्कुल वेल मेंटेन है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आपको यहाँ पर रोड के दोनों साइडें जो दुकानें दिख रही हैं वो काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखा गया और सुरक्षा भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। अभी हम लोग सीधे चलने वाले हैं हनुमानगढ़ी के मंदिर के पास। ये है हनुमानगढ़ी मंदिर का प्रवेश द्वार, और देख सकते हैं लाइन यहाँ से। अभी ये देखिए हनुमानगढ़ी का गेट के अंदर आ चुके हैं, और देख सकते हैं अभी गेट खुला भी है और भीड़ देख सकते हैं। आपको दिखा है भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। अब यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर पड़ेगा राम जन्मभूमि, और अब हम यहाँ से पैदल निकलने वाले हैं राम जन्मभूमि की तरफ। तो वहाँ पे देखते हैं कैसा रहता है भीड़। अभी हम रास्ते में चल रहे हैं और हमारे मित्र हमारे पीछे हैं। अभी
हम पहुंच चुके हैं राम जन्मभूमि के पास, और ये जो सीधा रास्ता आपको दिख रहा है वो जाएगा राम जन्मभूमि की तरफ, और वहां से आपको लेके चलते हैं। अभी यहाँ पे सामने हमारा बैग चेक हुआ और यहाँ पे चेक करा के अब आगे चलने वाले हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से सीधे जाएंगे तो आगे लॉकर होगा। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं काफी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख सकते हैं चारों तरफ काम ही चल रहा है अभी। और आगे देखिए वो एक सामने गेट बन रहा है बहुत भव्य, और यहाँ से ही मंदिर के अंदर प्रवेश मिलेगा। अभी हम लोग मंदिर के अंदर घूम के बाहर आ चुके हैं, और मंदिर के अंदर फोन और बैग बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो मंदिर के अंदर दर्शन किए। और भगवान राम की जो मूर्ति थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर बनाई गई है, वहाँ का दर्शन किए और सीधा बाहर आए और प्रसाद भी मिल रहा था। तो अभी हम आ चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन पर, और ये सामने रहा स्टेशन है। ये है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो कि एक एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाया गया है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट से लेकर अन्य बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। ये टोटल 3 मंजिला की है, आपको दिखाते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन पर, अब हमारी ट्रेन है, बस 10 मिनट बाद आने वाली है। तो आपको हमने अयोध्या में घुमाया, तो आपको यह वीडियो देखने में कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री राम।